हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट का दूसरा पार्ट जो हमने देखना है। इसमें क्या है कि वारंट जो है, वारंट का एग्जीक्यूशन होना है कहाँ, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन। वारंट का एग्जीक्यूशन होना है और वो कैसे होना है, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन होना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शंस 78 से 81 और इनके साथ रीड विद 70 to 77। मतलब ये तो, ये क्या था, वारंट का एग्जीक्यूशन होना है कहां था, विद इन ज्यूरिसडिक्शन, विद इन ज्यूरिसडिक्शन होना था। तो उसके लिए जब विद इन ज्यूरिसडिक्शन था तो उसके लिए हमने 70 to 77 ये चैप्टर्स जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें देख लिए। जब वारंट का एग्जीक्यूशन होना कहाँ होना है, विद इन ज्यूरिसडिक्शन होना है, विद इन लोकल ज्यूरिसडिक्शन होना है। अब वारंट का एग्जीक्यूशन कहाँ होना, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बाहर होना है, तो उसके लिए हमें 78 to 81 ये सेक्शन हमें देखने पड़ेंगे और इनके साथ हमें ये सेक्शन भी चलेंगे 70 to 71। यानी कि जब उससे बाहर ज्यूरिसडिक्शन में वहाँ जब वारंट जाएगा तो वहाँ पर ये वाले सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 78 ये कोर्ट है, इसने वारंट जारी कर दिया और इस वारंट का एग्जीक्यूशन कहां होना है, इस वारंट का एग्जीक्यूशन होना है आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन इसका एग्जीक्यूशन होना। तो इस वारंट को फॉरवर्ड कर दो किसके पास, तीन लोग हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस या पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इनके पास में हमने क्या है, कोर्ट इसको फॉरवर्ड कर देगा। कैसे, बाय पोस्ट और अदरवाइज, बाय पोस्ट और अदरवाइज कहां भेज देगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस कमिश्नर के पास में, और जिसके भी पास में भेजा जाएगा ये उस पर अपना नाम, एंडोर्समेंट करेगा और उस वारंट का एग्जीक्यूशन कराएगा इफ प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकेबल है तो वारंट का एग्जीक्यूशन कराएगा। ये हमारा 78 का क्लॉज 1 था। इसमें एक क्लॉज 2 भी है। ये क्लॉज 2 कहता है कि जब इस तरीके से आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन वारंट का एग्जीक्यूशन होना है तो वो जो ये फॉरवर्ड करेगा
फॉरवर्ड क्या क्या करेगा, क्या क्या चीजें फॉरवर्ड करेगा, एक तो वारंट जाएगा जी, प्लस कोई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है तो वो, प्लस कोई डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें वो क्या करेगा, वारंट के साथ में फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और ये चीजें काम आएंगी कहां, सेक्शन 81 में। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 81, तो वहां पे ये काम आएंगी। तो पहला, जब बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन वारंट का एग्जीक्यूशन होना है तो कोर्ट कैसे भेज रहा है, बाय पोस्ट भेज रहा है इनके पास, इन्होंने भेज दिया, अगर प्रैक्टिकेबल होगा तो ये एग्जीक्यूशन कराएंगे, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन कराएंगे तो फिर वही 72-77 वो वाला जो नियम थे वो फॉलो होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा था 78-81, इसके साथ में 70-71 को भी पढ़ना होगा, ठीक। फॉरवर्ड कर दिया, वारंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये जब सेक्शन 81 पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वहां पे काम आएगा, ठीक है। 78 के बाद 79, ठीक है, इसमें क्या है, जो कोर्ट, कोर्ट ने वारंट इशू किया और इस वारंट का एग्जीक्यूशन कहाँ होना है, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन होना, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन होना, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन होना। तो ये तो हमने 78 में पढ़ लिया था ना। इस बार जो है वारंट जो है किसको दिया गया, ये पुलिस ऑफिसर को दिया गया, पुलिस ऑफिसर को दिया गया, और उससे कहा गया कि जाइए इसको जो उनके जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर इसको एग्जीक्यूशन कराना है। तो ये क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर इसको फॉरवर्ड कराएगा किसके पास में, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से, या पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज इससे जो है नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉरवर्ड कराएगा। और ये क्या करेंगे, ये यहां पर एंडोर्समेंट दे देंगे, एंडोर्समेंट करा लेगा। एंडोर्समेंट कराने से क्या होगा, एंडोर्समेंट कराने से उसको अथॉरिटी मिल जाएगी, प्लस अगर उसे वहां की लोकल पुलिस की जरूरत है तो उसकी सहायता भी मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी, प्लस में उसको एड मिल जाएगा, सहायता मिल जाएगी, किस लिए कि वारंट का एग्जीक्यूशन कराने में, ठीक है। अब इसके बाद अगर एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है, डिले हो रहा है किस चीज से, अगर हम इसको एंडोर्समेंट कराते हैं, एंडोर्समेंट कराने के लिए हम पीओ या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास गए, इससे हमें अथॉरिटी और सहायता तो मिल जाएगी वहां की लोकल पुलिस की, लेकिन अगर हम एंडोर्समेंट कराने गए तो एग्जीक्यूशन में डिले हो जाएगा, वो
उसके वो अरेस्ट नहीं हो पाएगा, वो भाग जाएगा, तो एंडोर्समेंट कराने की जरूरत नहीं है, वो सीधे जाकर के उसको अरेस्ट कर सकता है, वारंट का एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो इसमें क्या देखा हमने, कोर्ट को वारंट इशू किया जो जिसका एग्जीक्यूशन कहाँ होना है, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन होना है, और पीओ को दिया, तो पीओ उसको फॉरवर्ड कराने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, इससे बिलो रैंक का नहीं है, यहाँ पर ये अपने नाम का एंडोर्समेंट कर देंगे। एंडोर्समेंट करने से क्या होगा, उसको अथॉरिटी मिल जाएगी प्लस सहायता मिल जाएगी वहाँ की लोकल पुलिस की। और लेकिन अगर एग्जीक्यूशन ऐसा एग्जीक्यूशन कराने में डिले होगा, एंडोर्समेंट हम कराने गए, एंडोर्समेंट कराने के उसमें डिले हो जाएगा एग्जीक्यूशन में, तो एंडोर्समेंट क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया का नियम है, वो प्रक्रिया का नियम हम बाद में भी कर सकते हैं, तो एंडोर्समेंट कराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उसको जो है अरेस्ट कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि इससे डिले हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। एट्टी ये जुडिशरी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्टेंस की बात करता है, डिस्टेंस कितनी है भाई, ठीक है, लेस देन या मोर देन 30 किलोमीटर, ठीक है, अगर 30 किलोमीटर से कम है, 30 किलोमीटर से कम है तो उसी कोर्ट में मामला चला जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन कहाँ होना है, एग्जीक्यूशन होना है आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, उसकी डिस्ट्रिक्ट के बाहर उसका एग्जीक्यूशन होना है, तो अगर 30 किलोमीटर से कम है तो उसी कोर्ट में मामला चला जाएगा, उसको वारंट लेकर के उसको उसी कोर्ट में सेम न्यायालय में, लेकिन अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर इन तीन लोगों के पास में कौन सा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर, ठीक है, इनके पास में चला जाएगा वो, ठीक। वारंट का एग्जीक्यूशन हुआ, हमने अरेस्ट कर लिया, तो उसको अरेस्ट करके हम क्या है सेम उसी कोर्ट में ले जाएंगे, पहली बात, अगर 30 किलोमीटर के अंदर अंदर है, या ये वाली कोर्ट इस कोर्ट से जो जहां एग्जीक्यूशन हो रहा है उससे नज़दीक, तो भी जो है इसी कोर्ट में वापस ले आएंगे, लेकिन अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस कमिश्नर, इनके पास हम एक्यूज्ड को ले जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस के ऊपर है, यहीं से डिस्टेंस पर कि ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब सेक्शन 81 जो पर्सन अरेस्टेड है, ठीक है, इसको हम कहाँ लेके गए, इसको हम लेकर के गए इन तीन लोग, अभी मैंने बताया था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर, इनके पास लेकर के गए, इनके समक्ष हमने
इसको अपीयर किया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो रिलेटेड कोर्ट उसको सेंड कर देंगे कैसे, कस्टडी में, ठीक है। बट यदि उसने क्या किया है, बेलेबल बेलेबल ऑफेंस किया है, बेलेबल ऑफेंस किया है, तो उससे क्या है, बॉन्ड भरा करके उसको रिलीज कर दिया जाएगा, बॉन्ड भरा करके उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और ये बॉन्ड हम उस कोर्ट को क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो इसमें बता देना कि जो पावर है वो किसके पास है, सीजेएम के पास है और कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। ये देखेंगे कि अगर बेल पर छोड़ा जा सकता है तो बेल पर उसको रिलीज कर देगा। लेकिन बेल पर रिलीज करने से पहले वो क्या है, जो 78 के क्लॉज 2 में जो हमारे को इंफॉर्मेशन, ठीक है, या जो डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट इनके साथ में जो आए, इन पर विचार करने के बाद अगर उसे लगता है कि रिलीज कर देना चाहिए, बेल पर छोड़ देना चाहिए, तो वो जमानत पर उसको छोड़ देगी, उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये हमारे सेक्शन 78 से 81, हमने वारंट को दो पार्ट में, विद इन जुरिस्डिक्शन और बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, और दोनों ही पार्ट को हमने अच्छे से कवर कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।